नमस्कार, सुप्रभात। मैं राहुल होशा आपके साथ। छपरा के तरैया के नवरत्नपुर गांव में संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक व्यक्ति की आंख की रोशनी चली गई है, जबकि चैनपुर में एक ग्रामीण चिकित्सक की भी मौत हो गई है। ग्रामीणों की ओर से जहरीली शराब पीने से मौत होने की बात कही जा रही है, जबकि उसी गाँव के गणेश ठाकुर के पुत्र अखिलेश ठाकुर की आँख की रोशनी चली गई है, जिसका इलाज पटना के एक निजी क्लिनिक में चल रहा है। इधर चैनपुर गाँव के एक ग्रामीण चिकित्सक रामनगीना सिंह की भी शराब पीने से मौत होने की बात सामने आ रही है। रामनगीना सिंह की पत्नी ने बताया कि उसके पति का पेट खराब था, शनिवार को दिन में शराब पीकर घर आ गए थे। उसके बाद पेट में दर्द शुरू हुआ, तब उन्हें रेफरल अस्पताल तरैया लाया गया, उसके बाद छपरा सदर अस्पताल उपचार हुआ, उसके बाद उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मढ़ौरा DSP इंद्रजीत बैठा समेत पुलिस अधिकारी परिजनों से मुलाकात की और कहा कि परिजनों ने प्रशासन को गुमराह करने वाला बयान दिया। मढ़ौरा DSP इंद्रजीत बैठा ने मामला संदिग्ध लग रहा है, शराब पीने की कोई पुष्टि नहीं हो रही है, जांच की जा रही है। तो छपरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बार फिर से जहरीली मौत की आशंका जहरीली शराब से। छपरा के तरैया की ये पूरी घटनाक्रम सामने आई है, जहां नवरत्नपुर गांव में संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है, वहीं आंख की रोशनी भी चली गई है, जबकि चैनपुर में एक ग्रामीण चिकित्सक की मौत की खबर है। ग्रामीणों की ओर से जहरीली शराब पीने से मौत होने की बात कही जा रही है, जबकि उसी गांव के गणेश ठाकुर के पुत्र अखिलेश ठाकुर की आंख रोशनी चली गई है, जिनका इलाज पटना के एक निजी क्लिनिक में चल रहा है। खराब था थोड़ा बहुत, मैं दवा खिलाई जबरदस्ती, वो बोले मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो पता नहीं उनको ये बेचैनी से होने लगा, मैं पानी से नहवाई और वो बोले मैं ठीक हूँ। उसके बाद शाम को ज़बरदस्ती ब्लॉक में ले गया गया, वहाँ ऑक्सीजन लगा के रेफर कर दिया सदर अस्पताल में। वहाँ पे ढंग से कोई इलाज नहीं किया, फिर पता नहीं कौन सा राजीव शंकर वो कोई डॉक्टर है, उनके पास लेकर गया तो सुबह। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जाकिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जाकिर, जिस तरीके से ये मौत हुई है, लोग तो कह रहे हैं कि जहरीली शराब से मौत है, पुलिस मान नहीं रही है, अब तक क्या कुछ अपडेट इस मामले में? देखिए, जो दो मौतें हुई हैं, इन मौतों को जहरीली शराब के मतलब जहरीली शराब पीने से नहीं होने का कोई मतलब नहीं निकलता है। और जो साफ साफ कह रहे हैं कि उन्होंने शराब पी थी, शराब पीने के बाद उनके पेट में दर्द हुआ था, पेट दर्द होने के बाद आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाने लगी थी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हालांकि अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन ये जानकर विषय है कि आखिर ये मौतें हुई क्या है। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो देखने में आ रहा है, जो परमा शेट्टी है, उसे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये मौतें भी कहीं ना कहीं शराब पीने से हुई है। और जो शराब है वो वहां पे लोकल स्तर पे उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है और शराब अभी भी उन इलाकों में मिल रही है। जी, तो पुलिस क्या अभी भी ये मान रही है कि अभी हम जांच कर रहे हैं, अभी शराब की कोई पुष्टि नहीं हुई है? देखिए, पुलिस आपको याद होगा कि लगभग दो तीन महीने पूर्व इसी इन्हीं इलाकों में लगभग 15 लोगों की मौत हुई थी। और पहले बीमारी की बात आई थी, फिर पोस्टमार्टम की बात आई थी, उसके बाद काफी आगे आने के बाद जब कहीं जब कोई चारा नहीं बचा था, कोई बहाना नहीं बचा था, तो पुलिस प्रशासन ने यह माना था कि हाँ कुछ मौतें हुई हैं जो जल्दी में शराब से हुई थी, लेकिन वो उन्हीं मौतों को माना था जिसमें पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम में जब ये बात सामने आई, बाकी मौतों में इन सब चीजों को नहीं दिया गया था क्योंकि उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। परिजनों ने शव को जला दिया था, उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। इस मामले में लगभग पुलिस उसी दर्रे पे चल रही है, वही चीजें हो रही है, पुलिस जा रही है, मिल रही है। और पुलिस इसी तरह का डर दिखाया जाता है कि अगर शराब की बात करोगे तो तुमको जेल होगा, तुम परेशान हो गए, शराबबंदी में शराब पैसे पी ली, ठीक है शराबबंदी में शराब पी ली, आखिर शराब उपलब्ध है और शराब इन्हीं जगहों पर दोबारा उपलब्ध है जहाँ पे पिछली बार इनकी घटनाएं हुई थी, तरैया और अमनौर और परसा, ये सब जो इलाके हैं, इन इलाकों में शराब से मौतें हो रही हैं। जो चीजें सामने आ रही हैं तो दिख रही हैं, नहीं सामने आ रही नहीं दिख रही, लेकिन लगातार शराब मिल रही है, शराब बन रही है और शराब पी रही है। चलिए, शुक्रिया जाकिर तमाम जानकारी के लिए।